हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पॉपुलर स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर रुपीज 15,000। दोस्तों, अगर आपका बजट इस टाइम पर 15,000 के अराउंड स्टैंड करता है और आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन परचेज करना है या बाय करने का प्लान कर रहे हो, बट आपके अंदर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि एक्चुअली किस फोन को पिक करना चाहिए। देखो, बजट सेगमेंट मतलब 15,000 के प्राइस बैंड के अंदर ऑलरेडी काफी सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होना भी बनता है। सो एनीवेज, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए काफी रिसर्च और टाइम दिया है एंड देन उसके अकॉर्डिंग टॉप 5 स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जो अलग अलग यूज को टारगेट करते हैं। लाइक, अगर आप हाई लेवल की गेमिंग करना चाहते हो, आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए या आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए या फिर एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन इस वीडियो के थ्रू आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। सो बने रहिए। बट सर, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है। सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले डिवाइस की जो आता है मेरी लिस्ट में Realme की तरफ से, Realme Narzo 65G। ये प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे खासे स्पेक्स ऑफर करता है। अगर आपको Realme का बेस्ट फोन चाहिए इन दिस सेगमेंट, देन इसको चेकआउट कर सकते हो। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.43 इंचेस FHD+ सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा विद इनसाइड पंचोल। 90Hz फास्ट ट्रिपलेट सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और 1000 nits ब्राइटनेस मिलती है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश एंड ये वेगन लेदर फिनिश के साथ भी आता है जो आपको थोड़ा सा प्रीमियम फील कराएगा। बॉक्सी फ्रेम दिया गया है एंड बैक में ही आपको सर्कल टाइप राउंडेड डुअल कैमरा मॉड्यूल मिलता है। प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का होगा, साथ में 2 का पोर्ट्रेट लेंस मिलता है बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसमें आपको नाइट मोड का फीचर भी मिलेगा। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से फुल HD मीन 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी खासी मिल जाएगी बट ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 6020, जो एक 7nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है, उतना पावर एफिशिएंट ये नहीं है, 4 लाख के अराउंड स्कोर आता है जो आपको प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी खासी गेमिंग करा देगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि Realme UI 4.0 पर बेस्ड है और इसमें रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलता है। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm जैक और सिंगल स्पीकर मिलेगा। तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टार्टिंग वेरिएंट से आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 14,999 बट 500 कूपन डिस्काउंट मिलेगा एंड आप इस फोन को 14,500 रुपए में डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Redmi की तरफ से, Redmi Note 12 5G। अगर आप ज्यादा डिस्प्ले कंटेंट कंज्यूम करते हो, साथ में अच्छी खासी गेमिंग भी करना चाहते हो, देन इसको चेकआउट कर सकते हो। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.67 इंचेस FHD+ सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1200 nits ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले टॉप प्लस दिया गया है, जबरदस्त कंटेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश। इसमें आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके रियर एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से फुल HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी डिसेंट मिलती है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, जो एक 6nm टेक्नोलॉजी बेस्ड CPU है, 4.25 लाख के अराउंड स्कोर आता है। लो टू मीडियम सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो। यह Snapdragon 695 के काफी क्लोज परफॉर्म करता है। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है और इसमें रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलेगा। यहां पर आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें i53 की रेटिंग, IR ब्लास्टर, सिंगल स्पीकर और 3.5mm जैक भी मिलेगा। तो ये 4GB रैम प्लस 128GB स्टार्टिंग वेरिएंट से आता है और इस फोन की प्राइस है फिलहाल 15,499, बट अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको 2000 ऑफ मिल जाएगा एंड आप इस फोन को 13,500 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G। टेक्नो ने इस फोन के अंदर कमाल के स्पेक्स के साथ ब्यूटीफुल डिजाइन दिया है, डेफिनेटली आपको ये इम्प्रेस कर सकता है और आप इसको एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन भी बोल सकते हो। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.78 इंचेस FHD+ IPS डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल। 120Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 240Hz का TSR और 580Nits ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले टॉप नॉच दिया गया है फॉर गेमिंग बट कंटेंट वॉचिंग के लिए डिसेंट है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा विद ग्लॉसी फिनिश एंड आपको 3D टेक्सचर शेप मिलता है जो काफी अट्रैक्ट करता है। साथ में आपको ट्रायंगल से LED लाइट्स मिल जाती है जिनको खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हो मल्टीपल कलर्स में। इसमें डुअल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा, साथ में AI लेंस मिलता है बट इसमें अगेन अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p 60fps मतलब 2K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिलती है। इस फोन के अंदर
अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 6080 जो अगेन एक 6 nm आर्किटेक्चर बेस्ड सीपीयू है, 4.25 लाख के अराउंड अंततः स्कोर आता है। आप इसको Snapdragon 4 Gen 1 के साथ कंपेयर कर सकते हो, 10 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा मिलेगा, डे टू डे यूजेज में ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हो। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि हाई ओएस 13 पर बेस्ड है। इसमें आपको रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UMCP मिलता है जो कि UFS 2.1 एंड UFS 2.2 दोनों के बीच में स्टैंड करता है। यहाँ पर आपको विदाउट अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्डिंग फीचर भी मिलेगा। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5 mm जैक, 12 स्टीरियो स्पीकर्स और IPX2 रेटिंग मिलती है। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टार्टिंग वेरिएंट से आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 1459 बट 1500 कूपन डिस्काउंट मिलेगा एंड आप इस फोन को 13,500 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो T2 5G। ये बजट के अंदर वन ऑफ दी बेस्ट वीवो स्मार्टफोन है बट स्पेक्स आपको डिसेंट टाइप के मिलते हैं। तो अगर आपको बजट के अंदर एक बेस्ट वीवो स्मार्टफोन परचेज करना है देन इसको चेकआउट कर सकते हो। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर 6.38 inches FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद ड्रॉप नॉच, 90Hz फास्ट रिपीट सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1300Hz ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले आपको डिसेंट मिलेगा हालांकि सुपर एमुलेट है, ड्रॉप नॉच आपको डिसअपॉइंट कर सकता है और 120Hz होता तो ज्यादा बेटर होता। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसीनेस, ये बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। इसमें आपको डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 64MP का होगा विद OIS, साथ में 2 का डेप्थ लेंस मिलता है बट अगेन अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 16MP की सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 1080p 60fps मतलब 2K एंड सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा इसका बेस्ट परफॉर्म करता है नो डाउट, डेलाइट कंडीशन में अच्छे खासे फोटोज और वीडियोस क्लिक कर सकते हो बट हाँ ये नाइट के अंदर स्ट्रगल करता है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस मिलेगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 जो अगेन 6 nm आर्किटेक्चर बेस्ड है, 4 lakh के अराउंड तो स्कोर आता है। लो टू मीडियम सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, टॉप नॉच एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि फन टच ओएस 13 पर बेस्ड है, 6 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है और इसमें रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलेगा। इसमें 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें सिंगल मोनो स्पीकर, IP54 की रेटिंग और 3.5 mm जैक भी मिलेगा। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टार्टिंग वेरिएंट से आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 1599 बट अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो देन आपको 2000 ऑफ मिल जाएगा एंड आप इस फोन को 14,000 रुपए में डेफिनेटली क्रैप कर सकते हो। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो G54 5G। ये वन ऑफ दी बेस्ट ऑलराउंडर फोन है। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मींस क्लीन यूआई के साथ साथ ओवरऑल टॉप नॉच स्पेक्स चाहिए देन इसको चेकआउट कर सकते हो। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इसके अंदर 6.55 inches FHD+ IPS डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिपीट सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन, 518Hz ब्राइटनेस और 240Hz का TSR मतलब टच सैंपलिंग रेट मिलता है। डिस्प्ले टॉप मिलता है फॉर गेमिंग बट कंटेंट वॉचिंग के लिए डिसेंट है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा जो मैट फिनिश के साथ आता है। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है विद OIS, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। फ्रंट साइड में 16MP की सेल्फी दी गई है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिलेगी। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 7020 जो अगेन 6 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, 4.5 lakh अंततः स्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, मीडियम लेवल की गेमिंग में टॉप नॉच एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MyUX मतलब स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है, जो बेसिकली क्लीन UI है, कोई भी एड्स या फिर फालतू के ब्लॉटवर्स देखने को नहीं मिलते हैं। 14 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा और इसमें रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलता है। इसमें आपको 6000mAh की बिग बैटरी मिल जाएगी जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP52 की रेटिंग, 12 स्टीरियो स्पीकर्स विद Dolby Atmos एंड 3.5 mm जैक भी मिलेगा। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टार्टिंग वेरिएंट से आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है ओनली 1399, सिर्फ 14,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो कैसे थे टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 15 के, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।